तारीख है 28 मार्च 2022, समय हो गया है 05:51 PM। बात सुनो ए पाकिस्तानी एनएसजी, अगर पाकिस्तान ने मेरे यहाँ पे अपनी एसपीजी वॉइस सिक्योरिटी बंद नहीं करी, और फालतू की बातें, तो तुम्हें मारने में ना मुझे 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। मैं पाकिस्तान में पूरी पूरी ब्लैक फोर्स मार दूंगा, पूरी ब्लैक फोर्स मार दूंगा पाकिस्तान में, पहले बता दे रहा हूं। अगर इमरान खान ने दोबारा कोई प्रोवोकेशन का काम किया, नहीं यहां वाले तो मारूंगा मारूंगा, यहां वाले तो मारूंगा मारूंगा, क्यों उसे लग रहा ना वहां से चैनल आउट करके इमरान खान यहां किसी और को फोन करवाए किसी और के, 24 घंटे के अंदर मारूंगा पाकिस्तानी एनएसजी। बनाओ बे डाटाबेस, एक जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रख लेना। 11 लाख से ज्यादा मेरे बंदे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर इस समय, समझ में आई, 11 लाख से ज्यादा। और यहां तुम्हें यह लग रहा हो ना कि इमरान खान तू चैनल आउट करके रेनू राय और नेहरू राय को फोन करेगा कि अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए, तो तू अपनी चिंता कर और अपने देश की, समझा। मैं जो कह रहा हूं तुझे, यहां वालों को निपटने के लिए ना, यहां वालों से निपटने के लिए पुलिस बहुत है हमारे पास, बहुत है पुलिस। लोकल असेट जिसे तू कह रहा है ना कि ज्वेश और मुसलमान और इनको एक्टिवेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इनसे निपटने के लिए मेरे पास पर्याप्त पुलिस बल है। और सुन, मेरी टीम अलग है पुलिस में, मेरे वाले तो सुनते भी नहीं है और सुन रहे हैं ना सिर्फ, बर्दाश्त कर रहे हैं तो किसको जानता है, मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को, और किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले बता रहा हूं, जो तू सोच रहा था ये काम मैंने भी किया, पर तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूं, मेरे तो तू उंगली नहीं लगवा पाया, समझ में आई। और तुझे मैंने सरेआम पिटवाया है, मारेंगे भी तुझे, तू चिंता मत कर, क्योंकि हम असली वाले हैं, मोदी की तरह दोगला मत समझियो मेरे को, तू समझ रहा है, मोदी की तरह दोगला मत समझ लियो। और ISI को आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर ISI ने जरा से भी दिमाग लगाया ना मेरे घर परिवार में, किसी के सारी कॉल ट्रेस है भोसड़ी के, तू कोई नई 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 कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी लेके पैदा नहीं हुआ है कि यहां तू कुछ बोल दे, समझ गया, और मुझ पे असर आ जाए। बहन के लोड़े इमरान खान, सरे आम तेरी बहन चुदवाई है मैंने, सरे आम, याद रख, मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, जानते हो क्यों है, क्योंकि मैं असल का हूं। सोच ले अब तू, अगर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ISI ने यहां लोकल असेट अपनी बंद नहीं करी, तो वो देख क्या कर रहा हूं मैं, देख तू कितने ही बोल, पाकिस्तान में जलसे कर, लोगों को इकट्ठा कर, भारत से लड़ने चलो, मारने का काम हमारे लिए इतनी सी देर का है, समझ गया,
और यहां सुन लो, भारत में अगर तुम में से किसी को भी लग रहा है कि पाकिस्तान, रूस, जापान, चाइना, अमेरिका से कोई तुम्हें बचाने आने वाला है तो तुम्हारी भूल है। कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें उठा के सबको ना तिहाड़ में बंद करवाऊंगा, सेंट्रल जेलों में, और कुछ नहीं करूंगा। समझ में आई तुझे? नहीं समझ में आई? जो काम होना था वो मैं कर चुका हूं। मुझे पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग करना था, आज कर दिया। पाकिस्तान से बलूचिस्तान हमेशा के लिए अलग कर दिया। पाकिस्तान से सिंध हमेशा के लिए अलग कर दिया। पाकिस्तान से पख्तूनख्वा हमेशा के लिए अलग कर दिया। और पंजाब पूरा साफ करूंगा। तुझे क्या लग रहा है कि तू यहां पे जो है आराम से तू मोदी को बचाने का खेल खेलेगा और मैं तुझे कश्मीर लेने दूंगा? हैं? क्यों बे? तू यहां आराम से नेहरू राय को फोन करवाएगा, खान बोल रहा हूं, चूतिया समझ रहा तू हमें? मतलब हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम पता लगाएंगे किसने फोन किया और कहां से। क्यों बे? जिस दिन पहली बार तूने अंशदेव रवि के मामले में इमरान खान तूने फोन किया था ना नेहरू राय को, उसी दिन से नेहरू राय हमारे रडार पे था। उसी दिन से उसका इसका पूरा खानदान, चूतिया समझ रहा तू मेरे को? क्यों बे? पाकिस्तान से फोन करके तू भागलपुर के मुसलमानों को बोल रहा है, हैं? शादी करवाएगा? देख पाकिस्तान की कैसे शादी करवाता हूं मैं अभी, तू देख तो सही। ब्याह मां के लौड़े, तुझे तेरे बाप का ब्याह नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। ले ले जमानत। वाह भाई वाह। मतलब ये सोच रहा है इतने दिन से इमरान खान कि मतलब यहां मोदी सोच रहा, मोदी ने क्या करा और नेहरू राय के वहां जो है देख कैसा चूतिया दिमाग है। अबे भैन के लोड़े, मेरे आसपास के रिश्तेदार छोड़ देता ना तो मुझे पता नहीं लगता। मोदी ने बोल दिया इमरान खान को और इमरान खान फोन कर रहा है नेहरू राय को। है? क्यों बे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईबी भोसड़ी क्या पाकिस्तान की आईबी को गाली पड़ रही है यहां से? नेहरू राय आईबी के लिए काम तो कर रहा था पर वो इंडियन आईबी के लिए नहीं, पाकिस्तानी आईबी के लिए काम कर रहा था। चूतिया समझ रहा तू मेरे को? आराम से चचा। क्यों वहां दर्जी चचा हो गए इसके? क्यों बे?
जिस दिन मुझे पहली बार असाइनमेंट मिला था ना, मैंने उसी दिन समझ लिया था ये बहन के लड़ सब मरेंगे ये। अब ले भुगत, अब करियो फोन, मैं भी तो देखूं पाकिस्तान से कौन है जो बचा ले इनको। मैं माँ के लोड़ो भोसड़ी वालों, भारत में रह रहे हो, बहन के लौड़ो वो पाकिस्तान से तुम्हें बचाने आ गए हैं। अरे कुछ नहीं यार, 200-400 मुसलमानों ने पैसे दे दिए होंगे नेहरू राय को। माँ का लोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, आईबी का वाला पैसा कहाँ है? मैं हमारा आईबी का पैसा जो है पाकिस्तानी आईबी की मदद से मुसलमानों ने रोका। मोदी ने मुझे निपटाने के लिए इमरान खान को काम दिया, इमरान खान ने नेहरू राय को फोन किया, नेहरू राय ने मुकेश मंडल को कॉल किया कि हितेश को मार के प्रीति की शादी मुकेश से करा दो। तो बहन के लौड़ा, मैं तुम सबको मार के तुम्हारी लुगाइयां ना उठवा दूं? चूतिया समझ रहा तू मेरे को? 8 महीने पहले फॉरवर्ड एसपीजी देखता हूं मैं, 8 महीने पहले। क्यों? आराम से नेहरू राय जो है उछलता फिर रहा, इमरान खान का मैसेज आया है जी पाकिस्तान से, आप डरना मत, हम देख लेंगे कितना बड़ा पहलवान है ये लड़का। क्यों पहचाना मेरे को? और अब क्या करेगा नेहरू राय खानदान? पूछिए जरा बिगनपुर में, ओए भेजियो आईबी वालों को, पूछिए जरा प्यार से, हाँ भाई कौन कौन है इसके साथ? चल चल हो गया काम पूरा कर दिया हमने पाकिस्तान में, हाँ कल दोपहर तक पीओ का भी मामला पूरा हो जाएगा, कर दिया बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा, ठीक है पंजाब में अभी क्या कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कर दिया काम हमने पूरा, बलूचिस्तान का काम पूरा हो गया है। अरे चूतिया समझ रहे मेरे को? पूछिए जरा जाकर के, आप वहां पे खड़े हो गए आराम से माइक लगा के, हाँ बे ओए कौन कौन है भाई नेहरू राय खानदान से, नाम लिखवा, चल ले चल सबको भागलपुर सेंट्रल जेल। के लोड़ा चूतिया समझ रहे मेरे को है? आराम से प्रदीप बहन का लोड़ा भोसड़ी का बेबी का दूल्हा पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस में वांटेड है, पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस में। प्रदीप का बाप जो था, हाँ क्या नाम, प्रदीप रॉय लिखता था ना, उसका जो बाप था वो बहन का लोड़ा आनंद मार्गी का जो है कैशियर था, और नेहरू राय था सेल टैक्स में। तो आनंद मार्गियों को बिहार से पैसा जुटवाने का काम नेहरू राय की टीम कर रही थी। अबे तुम्हारी माँ ऐसी चोदू, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी बैठ के लोड़ो, पागल समझ रखा है क्या मेरे को? अगर बैठ के लोड़ो तुम अपनी बेटी को यह सिखा के भेज रहे हो कि बेटी ये तो टूटी है, मैं पैदाइशी पुलिस वाला हूं, पैदाइशी अब समझे खेल,
अबे नेहरू राय का सबसे बड़ा जवाई और उसका बाप आनंद मार्गी का कैशियर था जो बुढ़ानाथ में रहता था। जी हाँ, आनंद मार्गी का कैशियर था वो, इसलिए उसे सब कुछ पता था कि पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस का पैसा कहां से गया। ये बात नेहरू राय जानता था। मैंने तभी कहा था इसे जिंदा रखना है, चाहे लाइफ सेविंग मार चाहे कुछ कर, नेहरू राय मरना नहीं चाहिए। और बिहार में ये दोनों थे, समधी प्रदीप, हाँ हाँ बेबी बुढ़ानाथ वाली जो है उसका ससुर और नेहरू राय बेबी का बाप, ये दोनों जैसे ये बहन के लौड़े भोसड़ी के पुरलिया आर्म्स ड्रॉप केस में मोस्ट वांटेड थे। ये बार बार एक बंदे का नाम आता था कि कोई एक बंदा ऐसा है। ये उसकी बेटी थोड़ी है नेहरू राय की, ये ना पिपरा कोटी से उठाई गई थी, नक्सली हमले में उठाई गई है लड़की, ये वो है, इसको निकालना था हमें। बहन के लोड़ो मैं इसका एसपीजी हूं, काट के फेंक दूंगा पूरा इलाका। तो नेहरू राय का काम ये था। और नेहरू राय का एक और रिश्तेदार है, वो सेल टैक्स में है, राजस्थान से गोपाल मंडल का बाप। सुनते रहो खेल, मैंने आज से फाइल नहीं बना रखी। गोपाल राय का बाप सेल टैक्स में, गोपाल राय का, गोपाल मंडल का बाप राजस्थान में जो है, ये क्या नाम है, अरे हाँ ये गोपाल नेहरू राय का जमाई जो है बुल्लू का हस्बैंड, उसका बाप सेल टैक्स में। जी हाँ, वो सेल टैक्स में, नेहरू राय सेल टैक्स में, प्रदीप प्रदीप रॉय का बाप आनंद मार्गी का कैशियर। दो राज्य तो मुझे पता लग गए, राजस्थान और बिहार से आनंद मार्गियों के लिए अवैध तरीके से दुकानों से पैसे की वसूली, वरना बम धमाके की धमकी। बेटा 250 किलो आरडीएक्स तू मंगवा लेगा प्रदीप, और हम यहाँ भोसड़ी के मां चुदाने के लिए बैठे हैं, मतलब हैं? तब मैंने कहा था प्रीति को उस दिन कि तू तुझे 250 किलो आरडीएक्स में बैठा दूंगा। क्यों बे, और इधर से मुझसे बदला, बहन के लौड़े ये खेल मैंने डिजाइन किया था चूतिए। जिस दिन खुद प्रदीप ने मेरे को यह कह दिया, मैंने उसके बेटे के लिए कहा कि आपका ये लड़के आईएएस आईपीएस की तैयारी क्यों नहीं करते, कहता नहीं हम लोगों को जो है क्या कहते हैं नौकरी देते नहीं है। मैं क्यों, मैं अजीब है यार। बाद में पता चला उसका बाप बहन का लौड़ा जो है प्रदीप का बाप जो है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप क्रेज केस में मोस्ट वांटेड था। ये बात मुझे तब पता लगी जब मैं उसके घर गया ना, प्रदीप रॉय का बाप ऊपर निकल चुका था, कसम से कह रहा हूं। ये भी तो मां के लौड़े हैं हमारी टीम के बंदे। मैं बहन के लोड़े पहले फाइल पकड़ा देता ना, मिनट में उठा लेता, मैं पढ़ने भी नहीं दी फाइल, ब्लाइंड उतार दिया इन्होंने। भाई ऐसा है सनी,
एचडीएल वाले, वो मैसेज तेरे को नहीं भेजा था बच्चे मैंने, वो मैसेज जिसके पास जाना था उन्होंने पढ़ लिया था, समझा। पर उस समय व्हाट्सएप में एक तेरा ही नंबर था जो ऑनलाइन था कि यार आनंद मार गया तो पंगा हो गया है, उनको मैसेज दिया था मैंने। बस, और भगवान सिंह उस दिन मैसेज तुझे नहीं भेजा था मैंने कुमारपुर से, पैरेलल फोन कहीं और हमारे भी लगे हुए हो जिनके पास पहुंचना था उन्होंने पढ़ लिया था। कहां गरीबों की तरह चलते फिर रहे हो तुम, इस बहन के लोड़े का काम था आनंद मार्गियों का लड़कियां उठवाना, और बाद में उन्हें जबरदस्ती प्रोटेस्टेंट ईसाई ज्यूइश, एक ज्यूइश कन्वर्ट करने के 50 लाख रुपए मिलते हैं। मैं बता रहा हूं ना आनंद मार्गियों का काम, फाइल है सर ये, मैं पूरी करूंगा ना। आनंद मार्गियों का काम भारत में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को ज्यूइश, मुसलमान, ईसाई कन्वर्ट करना होता है सर, और कोई काम नहीं आनंद मार्गी का। जबरदस्ती, मैं तो पहले दिन ही इसको रडार पे ले लिया था प्रदीप को, मगर तू, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने 100 बार समझाया था गोपाल मंडल को भी, देख और प्रदीप औकात में रहियो, पर ना गोपाल मंडल का बाप और नेहरू राय दोनों मिल, इनमें एक बंदा और गायब है कोई ना, सुरेश मंडल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट से था भैया, उसकी गांड तोड़ देती सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो गलती कर जाता। ये सेंट्रल से नहीं थे ना, इसलिए हम स्टेट वालों के साथ काम नहीं करते। इनकी अपनी सीबीआई होती है, वो सीबीआई को बोलते हैं सीबीआई, शब्द का पैरेलल शब्द। ये लोग संगठन बना के देते हैं, यहां से लड़की निकलवा देंगे। यही काम सुमन देवी ने कोशिश करी थी, सुजाता की शादी उस मुसलमान के साथ करवाने की, यही काम के लिए तोताराम डिजाइन किया गया। भरोसे का खून करने का काम